देखो हमारे अंकल जी मजे लेते हो यहाँ पर, ये देखो भाई बारिश तो लगातार होती जा रही है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ये हमारे स्वामी भैया है, तो अब ये देखो इससे निकलने के बाद पूरा सफाई करेंगे। देखो मैं भी पानी में खड़ा हूँ। ये देखो दोस्तों एसी लगवाया था ये अभी नया, यहाँ से पानी आ रहा है। ये कट्टा किसी ने इसमें लगा रखा था, अब देखो मैंने हटा दिया तो आप देखो कितनी तेजी से पानी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन मौके की बात है आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में करीब 12 बजे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और अब इतने मज़े आ रहे हैं कि वहाँ पे देखो हमारे अंकल जी मज़े लेते हो यहाँ पर। ये देखो भाई एक हमारे अंकल जी, इनको भी खींचो भाई, इनको भी खींचो। दिल्ली की शॉप हमारे रेंट पे, ये देखो ये मज़े लेते हुए, ये अपनी पूरी जवानी के मज़े लेते हुए, जवानी कहेंगे बुढ़ापा नहीं कहेंगे अंकल का। ये देखो रिटायरमेंट के बाद असली मज़े ले रहे जिंदगी के। तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी तेज़ बारिश है और धुआंधार बारिश है, बहुत तेज़ हवाएं हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी जो है अपलोड की है, कैमरे को थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है तेज़ हवा के साथ यहाँ बिजली भी चमक रही है, आप मुझे बताना कहाँ का बारिश हो रही है। अभी करीब दोपहर के 2 बज के पास दिल्ली के अंदर काफ़ी झमझम बारिश है। दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास इतनी गर्मी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बार बार कैमरे पे बूंद आ रही है पानी की, तो यहाँ पे कैमरा मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊं, अभी गर्मी का ये हाल था कि कहीं पे बैठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब आंटी जी कैसा लग रहा बारिश आने के बाद, मज़ा आ रहा है? तो आ जाओ आप भी नहाओ, अंकल जी तो खूब मज़े ले रहे हैं। अच्छा ठंड लग रही है, कोई नहीं भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है बारिश का। ये देखो पानी वानी सब भर चुका है यहाँ पर, भाई बारिश तो लगातार होती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो हमने भी सोचा भाई चलो फ़ायदा उठा लिया जाए, अभी एक फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा फ़ोन ना भी घर में रख देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो पानी की वजह से फ़ोन ख़राब हो जाए। और भाई बरसात आई है इतने टाइम बाद तो इसके मज़े भी लेने चाहिए। आ जाओ सुमित भाई, आ जाओ नहा लो, अरे आ जाओ इतने टाइम बाद तो बारिश आई, आ जाओ। अभी पकड़ता हूँ इसको मैं, अभी थोड़ा घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, तो भाई अपनी गली में आ चुका हूँ मैं। ये देखो घर के आगे जो है ये पानी भर चुका है, ये सारा कुछ थोड़ा ये खाली है, इस साइड में पानी भर गया, यहाँ पे पानी भर चुका है। हमारी नई स्कूटी भी यहाँ पे वॉश हो गई, अभी नई स्कूटी लिए इसकी नंबर प्लेट भी नहीं आई है। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे जगह कम है ना स्पेस, तो बारिश उस तरीके से नहीं आ रही। अभी हम रोड की तरफ घूमने के लिए चलते हैं। भाई अभी बिजली इतनी तेज़ चमकी ना, इतनी तेज़ चमकी ऐसा लगा कहीं ना कहीं बिजली गिर गई हो, क्योंकि बिजली वैसे तो आ नहीं रही लेकिन इतनी तेज़ हवा थी। अगर मेरा मोबाइल फ़ोन उस टाइम ऑन होता ना तो आप देखते, और पानी तो भाई बहुत ज़्यादा भर चुका है यहाँ पर। भाई ये देखो पानी भर चुका, मेरी दुकान उस तरफ में है, तो यहाँ देखो पानी कितना भर चुका है। ये देखो पानी का भी भर चुका है, अभी मैं थोड़ा आगे तक घूमने जा रहा हूँ, पानी भर चुका है। बच्चे सब लोग मज़े ले रहे हैं भाई, बहुत मज़े ले रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना यहाँ पे। देखो अब देखो पानी वानी हर जगह भरने लगा, अगर इस तरीके से आधे घंटे और बारिश होगी ना तो समझ लो पानी पानी हो जाएगा हर जगह। और ये देखो यहाँ पर, ये देखो पानी आप देख रहे हो भाई, कैमरे को एडजस्ट कर लेना, क्वालिटी वालिटी मत देखना इस टाइम, क्योंकि पानी की बूंदें बार बार आ रही है ना। ये देखो बैठ बेचारे काम करते करते रुक गए, नया मकान बन रहा था। ये देखो भाई मैं अभी ना अपने घर की तरफ थोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। अब मेरे यहाँ पे पाँव देखो, ये देखो पाँव देखो, मैं एक बार कैमरा साफ करता हूँ। ये देखो पाँव देखो कितना कितना डूब गया, पानी देखो यहाँ पे कितना कितना पानी भर गया है। जिस तरीके से बारिश हुई है ना, आप यकीन मानना हर न्यूज़ चैनल पर आपको दिखेगा कि दिल्ली में बहुत बारिश हुई है। और ये देखो पूरी गली यहाँ पर भरी हुई है, यहाँ पर देखो ये पूरी की पूरी ये देखो आगे तक भरी हुई है। अब मैं इस गली से अपनी शॉप की तरफ जाता हूँ, ये भी पूरी भरी हुई है, लेकिन भाई यहाँ का आइडिया नहीं है, तो मैं वापस चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कहीं पे गड्ढा वड्ढा खुदा हो उसमें मैं चला जाऊँ। साइडों में तो नालियाँ देखो फुल चल रही है, भरी हुई, बहुत बारिश है, बारिश अभी भी हो ही है लगातार। तकरीबन अगर इसी तरीके से आधे घंटे और हो गए ना तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, लोगों के घर में दुकानों में पानी भरने लगा। ये देखो यहाँ पे दुकान में पानी भर गया, ये हमारे स्वामी भैया है, तो अब ये देखो इसे निकलने के बाद पूरा सफाई करेंगे। देखो मैं भी पानी में खड़ा हूँ, देख लो कितनी बारिश हुई है। वहाँ पे देखो सुनार के यहाँ भी पानी भर गया, ये सब यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। बस ये है कि क्या नाम है, बारिश रुकने के आधे घंटे के अंदर सारा पानी तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो गंदगी है अब इसे साफ़ करने में टाइम लगेगा। भाई
फोन में ना पानी शायद चला गया, ये अपने आप ही बंद हो जा रहा है। अब साथ में हमारे भैया भी आ चुके हैं। हाय गाइस, और कैसा मौसम है भैया बताओ? सुपर्ब यार, अभी तक ना, अभी मैं आपको मैं बता नहीं सकता, मैं जब आ रहा था ना तो धूप लगी थी, मैं राजागढ़ से आ रहा था, धूप लगी थी, पसीना मेरे को इतना ज़्यादा हो रहा था, लेकिन अब उत्तम नगर पहुँचते हुए देखा यहाँ का हालत तो गॉड। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, असल में पता है क्या भैया, 12 बजे बहुत उमस थी। अच्छा, मजे के साथ साथ जिनकी दुकानें या मकान नीचे ना, उनके लिए एक कहीं ना कहीं दुख भी है, क्योंकि पानी उनके घर में घुस रहा है। पानी बहुत है क्योंकि धुआंधार बारिश हुई है 1 घंटे के आसपास। अभी मैं आपको देखो आगे चल के दिखाऊंगा, बैक साइड में आप पानी देख ही सकते हो। अभी हम जिस जगह पे चल रहे हैं यहाँ पे पानी कम है, नाव चलने की देर है उत्तम नगर मंसन पार्क में। लो भाई देखो पानी, देखो अब जहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कैमरा साफ कर लेता हूँ, इतना पानी ये देखो यार, नाले का भी पता नहीं चल रहा है, नाला किनारे पे भैया ध्यान से, ये देखो भाई पानी, यहाँ पे हमारा कासिम भाई बैठ खड़ा हूँ। ये देखो भाई पानी देखो कितना भरा हुआ है, चलते दिखा दे हमारे फुट को। नहीं अभी तो यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ भी गहरा है। अरे उधर बहुत था, रोड की साइड में बहुत ज़्यादा था। ये देखो पानी देखो भाई, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि 4-5 दिन पहले इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन सीरियसली मज़ा बहुत आ रहा है, इंजॉय करें और ऐसे ही रहना चाहिए हमें इस पूरे साल। नहीं पूरे साल नहीं भैया, जब ऐसा है जब लोग यहाँ रहते हैं, जब ज़रूरत होती है ना तब बारिश होनी चाहिए, अब पूरे साल होगी तो फिर कैसे होगा। हाँ बुरा ही, अब तो लेकिन बुरा इसलिए भी लगेगा क्योंकि लोगों के घर के अंदर पानी चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी बात है। अब देखो दोस्तों हम आ गए भैया के घर के पास, ये भैया का घर है, इस जगह पे ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पानी आराम से निकल जा रहा है, लेकिन नाली की साइडों में पानी भरा हुआ है। थैंक यू गाइस, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना। ये देखो अभी इस जगह पे ना अपने शॉप के आसपास आप देखोगे यहाँ पानी नहीं भरा, मैं नीचे करके दिखाऊंगा भाई, मेरा नंबर वगैरह है ना वहाँ लिखा हुआ, ये देखो इधर यहाँ पे डोगी वगैरह बैठे हैं, बिल्कुल पानी नहीं है, ये मेरी शॉप है ठीक है, और ये बिल्कुल भी पानी नहीं है भाई। मैं अपने ना स्टूडियो में आ गया, असल में जो हमारे घर के सामने रहते हैं ना स्टूडियो के, वो कह रहे हैं कि आपके रूम से बहुत पानी आ रहा है, तो अभी मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो कुछ नुकसान हो जाए, कहाँ से पानी आ रहा है चेक करता हूँ। ये देखो दोस्तों एसी लगवाया था ये अभी नया, यहाँ से पानी आ रहा है, ये तो बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि अब साफ़ सफाई करनी पड़ेगी इसकी, और भी जगह मैं देख लेता हूँ, इधर भी देख लेते हैं दूसरे रूम में। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफाई करनी पड़ेगी, बस मशीन वाली जगह पे काफ़ी पानी गिर गया, ये धागे वगैरह जो इसको हटा देता हूँ, ये तो धागे वगैरह सब गल गया, ये इसको हटा देता हूँ फिर भी मैं, शिट ये तो नुकसान हो गया भाई काफ़ी ज़्यादा। हमें नहीं मालूम ना कि इस जगह पे कैसे पानी आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये देखो मेरा वॉलपेपर है, वॉलपेपर भी इतना छूट गया पानी की वजह से। अभी पानी कहाँ से आ रहा है एक बार ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ, ये देखो इतना पानी है, खैर इधर भी पानी है, ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है, अब ऊपर एसी वाली जगह पे देखते हैं चल के क्यों आ रहा है ये पानी। ओहो भाई पानी आने की वजह ये है, ये देखो ये छत ना भरी हुई है, और ये पानी कहीं ना कहीं यहाँ से टपकता हुआ ये आ रहा है। अब यहाँ पे ईंटें वगैरह लगवानी पड़ेगी क्योंकि अब जो होना था वो तो हो गया, आगे ध्यान रखेंगे। देख रहे हो ये देखो हाथ में रख गया नीचे कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, देखो शिट। मैं कह रहा था ना बरसात हद से ज़्यादा हुई है भाई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा आखिर पानी जाने की जगह कहाँ है, ये है इसे मैं अभी हटा देता हूँ। देखो भाई अभी ना यहाँ पे किराए वाली जगह पे ये होता है, हमें नहीं मालूम किसने करा है क्या करा है क्यों करा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखो ये फ्रंट साइड है, आगे मेरा घर है उस साइड में ठीक है, जहाँ स्कूटी खड़ी वो घर है मेरा, अभी साइड में आने के बाद ना ये कट्टा देख रहे हो आप,
ये कट्टा किसी ने इसमें लगा रखा था। अब देखो मैंने हटा दिया तो आप देखो कितनी तेज़ी से पानी जा रहा है। अब बताओ इस किसको बोला जाए ये चीज़। अभी जो हमारी दीदी है मैंने उनको शिकायत तो कर दी है, अब दीदी आती होंगी। देखो यहाँ से पानी पास होना शुरू हो गया, लेकिन ये तो आगे वाली साइड का है ना, लेकिन जो पीछे वाली साइड है वो अभी भी ब्लॉक है। वो देखो कितना पानी भरा हुआ है, ये अभी भी ब्लॉक है। लेकिन कुछ ना कुछ पानी हो सकता है यहाँ से निकले, जब हम इसको आगे की तरफ पाँव से करें तो कुछ तो निकलेगा ही पानी। लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या हिसाब किताब है क्या नहीं। ये देखो यहाँ पर किस तरीके से कोई सफाई नहीं। ये है हमारा ए सी अभी लगा था, इसका यूज़ भी नहीं हुआ। क्या बताऊँ, हो सकता है ये छतरी भरी हो। एक बार ये भी चेक करा जाएगा, क्योंकि अगर पानी कहीं पर रुकेगा तो सीलन आएगी, बहुत सी चीज़ें हैं। पानी देखो अभी अपनी स्पीड में पूरा पास हो रहा है। आवाज़ सुनो भाई, क्या कर सकते हैं भाई। फ़ोन ने भी ना जवाब देना शुरू कर दिया काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ पे ना मैं शूट करते करते मैंने चेक किया, बैक कैमरे से था, पता ही नहीं चला। अभी मैं फ्रंट कैमरे से ले रहा हूँ, इतनी क्वालिटी नहीं आती फ्रंट कैमरे से। ये अपने आप ही जो है ना फ़ोन बंद हो जा रहा है। अब हो सकता है इसमें कहीं और नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं वीडियो अभी ज़्यादा पानी में नहीं बनाऊँगा, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन की भी एक लिमिट होती है। दोस्तों मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं आपको एक बार बताता हूँ, अभी मेरा छोटा भाई खेलने गया था क्रिकेट कहीं पर, वो बता रहा था कि मैं जैसे ही निकला ना वहाँ पे एक पेड़ गिर गया, यानी सोचो कितनी तेज़ हवा थी। और जो स्टूडियो में था तो मकान मालिक कह रहे थे ये काम करवा देंगे। असल में वहाँ जाली वगैरह थी ना, मैंने आपको दिखाया था पानी रुका हुआ था, कट्टा लगाया हुआ था, बाकी एक जगह जाली में वहाँ पर कूड़ा अटक गया था। अब वहाँ पे मैं तो रहता नहीं कि जो हर वक्त मैं देख सकूँ, और फ़ोन में भी अभी ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप देख रहे हो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऐसे लुप लुप हो रहा है, मतलब कि समझ नहीं आ रहा। फ़ोन में पानी चला गया था, वॉइस काफ़ी ख़राब आई होगी, तो आप एडजस्ट कर लेना थोड़ी सी। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो अपलोड करी थी रील्स वगैरह, तो वहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि आप दिल्ली में कहाँ पे हो जो बारिश हो रही है। तो मैं तो दिल्ली में द्वारका मोड़ के मेट्रो स्टेशन के आसपास रहता हूँ, लेकिन वो लोग कह रहे हम भी दिल्ली में, यहाँ बारिश नहीं हो रही। लेकिन जिस तरीके की बारिश हो रही, मुझे लग रहा था कि शायद ये यूपी वगैरह में पूरे में होती होगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे पूछा था रील्स में। तो काफ़ी लोग कह रहे नहीं दिल्ली में तो हम हैं, नोएडा में हैं, यहाँ बारिश नहीं हो रही। बाकी मतलब जिस हिसाब से लग रहा था मौसम, मुझे लग रहा पूरी दिल्ली में ही बारिश होती होगी। बहरहाल दोस्तों मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने ये ब्लॉग बनाया, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों आपको कुछ अलग चीज़ दिखाएंगे। हमारे रिश्तेदारी में काफ़ी लोग जो है फिश जो होती है ना, फिश उसकी हंटिंग करते हैं, यानी कि फिश को पकड़ते हैं, वो उनका रोज़गार है। उनकी लाइफ कैसी है वो सब कुछ आपको हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे अभी तक रुके हो इस वीडियो में, तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।